Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के. जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है. हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब बारी है हमारी पांचवी राशि जो है लियो, सिंह राशि. तो सिंह राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा ये हम आपको बताएंगे. कहाँ पे लियो ने किया है यूनो घमासान युद्ध, कहाँ पे उन्होंने दिखाई है शांति, कहाँ पे वो प्यार के दूत जो है बनकर के आगे जाएंगे और कहाँ पर सच में सबकी वाट लगाएंगे, ये सब हम आपको बताएंगे. तो सबसे पहले बताते हैं लियो कि आपके लिए कार्ड्स कौन से आए हैं. कार्ड्स आपके लिए आए हैं द स्टार, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, रेस्ट, केयरिंग कनेक्शंस, आस्क योर एंजल्स, टावर, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ कॉइंस. वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ इमोशंस एंड वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जीज फॉर यू लियो. तो जो आपका मेन एनर्जी जो कार्ड आया है, जो मेन मैसेज है वो है द स्टार. यानी कि बोलते ना अंत भला तो सब भला, तो काफ़ी गूफ अप तो आप करने वाले हो अगस्त के महीने में, लेकिन फाइनली लास्ट आते आते सब कुछ ठीक होता हुआ भी नज़र आ रहा है. आप प्रोटेक्टेड हो, आपके टुवर्ड्स जो है भगवान की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, भगवान का प्यार दिखाई दे रहा है, तो बचा तो वो आपको लेंगे, ये तो अश्योरेंस उन्होंने आपको यहाँ पर दे दी है. लेकिन क्या कुछ आप अगस्त के महीने में ऐसा करने वाले हो जिसकी वजह से हम बोलें कि भगवान को आपको बचाना पड़ जाए. तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मनी सेक्टर को लेकर के, यानी कि फाइनेंसिस जो है अगस्त के महीने में आपके कैसे रहेंगे, वेल्थ कैसी रहने वाली है. तो आपके लिए कार्ड्स आए हुए हैं नाइट ऑफ कॉइंस एंड नाइन ऑफ कॉइंस. साउंड दोनों एक जैसे से कर रहे हैं लेकिन दोनों के मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं. एक तरफ तो धन की वर्षा होगी, दूसरी तरफ पैसा आया लेकिन जेब में नहीं आया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया आते ही. तो यहाँ पर एक तो आपके एक्सपेंस बढ़ने वाले हैं, आप यहाँ पे मुझे ओवर एक्सपेंडिचर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. बोलते हैं ना बिना बात के खर्चे, कई बार पैसा ज़्यादा हाथ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हाथ भी खुल जाता है और खर्चे बढ़ जाते हैं. तो आपके खर्चे मैं बोल सकती हूँ कि अगस्त के महीने में काफ़ी बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. कुछ पेमेंट्स जो हैं यहाँ पर आपकी स्टक भी हो सकती हैं. तो मैं ये मान सकती हूँ कि मान लीजिए आपके पास आने थे 100 रुपये, 100 रुपये में से 80 रुपये 100% आपको अगस्त के महीने में रिसीव हो रहे हैं, इसलिए पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन 20% की पेमेंट्स मुझे स्टक होते हुए दिखाई दे रही हैं. आपकी पेमेंट्स डिले हो सकती हैं, रुक सकती हैं. जो भी पेमेंट अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेड थी वो मुझे अगस्त के महीने में आते हुए दिखाई नहीं दे रही, वो आगे जाएगी फॉर श्योर. अदर आने वाले महीनों के अंदर आपको रिसीव हो सकती है, सेप्टेम्बर में जा करके रिसीव हो सकती है, बट नॉट कमिंग इन दी मंथ ऑफ अगस्त. लेकिन हाँ, नॉर्मली जो जेन्युइन पैसा आपको आना चाहिए अगस्त के महीने में वो भरपूर आएगा. मनी वाइज बहुत अमेजिंग मैं बोल सकती हूँ ये महीना रहने वाला है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी. और पैसा ज़्यादा आ रहा है इसीलिए एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप बहुत बोलते हैं ना बिना बेफालतू के खर्चे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ भी नहीं है तो चलिए लग्जरीज पे हम शॉपिंग करते हैं, है ना, चलिए जाकर के गुची का बैग खरीद के लाया जाए, क्यों पैसे बहुत हैं, राइट. तो इस तरीके की चीज़ें शौक पूरे करेंगे आप अगस्त के महीने में, जो एक अच्छी बात भी है, करने भी चाहिए काफ़ी हद तक. लेकिन फिर भी अगर पैसा अच्छा आया है तो हर हाल में मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपके एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस 20-30% होते हैं तो आप जो है 20% 30% के मिनिमम जो है आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी ही चाहिए. 90 लाख कमाए हैं तो उसका 30% इन्वेस्ट कर दो, बाकी बचे हुए को बेशक से आप कुछ भी करो वो आपकी मर्जी है, इसमें समझदारी है. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी हेल्थ की. हेल्थ कैसी रहने वाली है, कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्स एंड 5 ऑफ कप्स. हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे लियो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन भी दिखाई दे रहे हो हर चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो लाइफ में, हर छोटी छोटी बात पे आपको स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है. काफ़ी के केस में स्पेसिफिकली स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम अगर हो जाएगी तो आप ट्रस्ट में आगे की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है अगर वहाँ प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा यहाँ पर ध्यान रखिए. काफ़ी केसेज में माइग्रेन भी यहाँ पर हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है. तो आप देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी भी कन्वर्ट हो सकती है. माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप कितनी भी मेडिसिन खा लो आपको आराम नहीं मिलता है. तो राइट, यहाँ पे आपने मतलब तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आपका ये माइग्रेन, ये तीनों के तीनों इंटरकनेक्टेड हैं. तो किसी ना किसी वजह से आपके स्ट्रेस के लेने की वजह से ही आपको हेल्थ इश्यूज़ होने की ज़्यादा संभावना है. एक मेजर प्रॉब्लम आपके स्पाइन को लेकर के भी आ सकती है, आपकी बैक को लेकर आ सकती है. अगर आप जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो कृपया करके ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली दिखाई देता है कि कोई हैवी वेट उठाते टाइमिंग में भी आपको प्रॉब्लम
हो सकती है। तो यस, हेल्थ को लेकर के आई वुड से कि अगस्त का महीना एक रेड अलर्ट वाला महीना है आपका, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपके करियर की, आपकी जॉब की, कि वो सब कैसे रहेंगे। वहाँ पे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड दी टावर। तो भाई देखिए, बिजनेस में पैसा तो बहुत बनाएंगे आप, लेकिन यहाँ पर सडन बदलाव भी आ सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर मुझे दिखाई देता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब अचानक जा सकती है। हालांकि आपको नई अपॉर्चुनिटी भी साथ के साथ आ जाएगी। पैसे को लेकर के डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉस मुझे दिखाई देता है कि आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि हाँ मुझे जॉब चेंज करना है या कुछ है, बट सडन कुछ कारण बनेगा जिसकी वजह से आपकी नौकरी मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस के केस में भी सडन कोई आप ऐसा डिसीजन ले लो जिससे आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत समझने वाली खेल है। जॉब के केस में थोड़ा सा लॉस वाली सिचुएशन है कि अचानक जॉब चली गई, हालांकि मिल जाएगी लेकिन स्टिल देर इज अ गैप, राइट। बट बिजनेस के केस में सडन कुछ डिसीजन ऐसा लोगे जो डिसीजन तो खराब ही था लेकिन अल्टीमेटली उससे आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स होने वाले हैं, फायदा हो जाएगा आपको उस सडन डिसीजन से। तो बिजनेस वालों के लिए बोलूंगी कि ज़्यादा अच्छा है, जॉब वालों के लिए बुरा नहीं है। ये चेंज आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन यस, अगस्त के महीने में हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रगलिंग आपको फील हो सकती है। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। आपके लिए कार्ड्स आए हैं लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड केयरिंग कनेक्शन। तो आपके आसपास कोई है जिसके मन में आपको लेकर के फीलिंग्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ना तो वो अभी तक बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा है, ना आप ही समझने की जो है कोशिश कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आपके फ्रेंड्स को जो है आपकी हेल्प करने दीजिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। जब आपके दोस्त जो है इस मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ करके आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिल पाएगा जहाँ पर आप दोनों खुल करके बातचीत कर सकें, वो भी आपके मन अपने मन की बात आपको बता सकें और आप भी उसकी भावनाओं को समझ सकें। तो एक चीज़ तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कन्फर्मेशन तो नहीं है कि नए रिलेशनशिप शुरू हो ही जाएगा, लेकिन आसपास ज़रूर आपके कोई ना कोई ऐसा है जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपकी बहुत केयर करता है। अब ये तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आपको भी थोड़ा सा तो आँखें खोल के देखना चाहिए कि आखिर वो कौन है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो नज़र भी ज़रूर आ जाएगा। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ रेस्ट। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, वो यहाँ पे आपकी हेल्थ वाली बात से भी निकल के आता है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है इस महीने में आपका, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम तक आप चले जा रहे हो। तो यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो, है ना। काम करो लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेते रहना, खुद को रिजुविनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक ए नैप एंड गेट सम रेस्ट। तो ये रेस्ट भी लेना आपके लिए अगस्त के महीने में बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी फंस जाएं, किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो क्या करना है, आस्क योर एंजल्स। जी हाँ, आपके लिए कार्ड आया आस्क योर एंजल्स। अगर किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आंखें बंद करके दो मिनट बैठ जाओ, आपके दो गार्जियन एंजल्स बाय डिफॉल्ट आपके साथ हमेशा होते हैं। आप उनको बोलो मुझे आपसे ये मदद चाहिए, मेरे को इस एरिया में मदद करो, और आप देखोगे कैसे होता है ना कि लिटरली मिराकुलस तरीके से आपकी हेल्प जो है वो कर भी पाएंगे, हो जाती है। लेकिन आपको पूछना तो पड़ेगा, उनको बोलना तो पड़ेगा कि प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए। चलिए अगर हम इसको समअप करें तो फाइनेंसिस की हमने बात करी, पैसा बहुत आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट करना ना भूलें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इस महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। बात करें जॉब की तो जॉब सडन जा सकती है, जॉब वालों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल है। वहीं पर बिजनेस के मामले में सडन मुनाफा आपको यहाँ पर हो सकता है। प्यार की बात करें तो किसी की आहटें तो हैं आसपास जो प्यार लेकर के आ रही हैं, लेकिन सोचना समझना सब आपके हाथ में है। बात करते हैं कलर की तो ब्राउन कलर एंड येलो कलर दे बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 और नंबर 9 ये दोनों नंबर आपके लिए लकी रहेंगे। तो ये था आपका मंथली टैरोस्कोप लियो। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।